हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी एंड वेलकम टू शाइन विद शिल्पी। एंड मैं लेकर आ गई हूँ अपना संडे व्लॉग आप लोगों के लिए। सो मैं हो रही हूँ रेडी कहाँ जाने के लिए, आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। सो जैसा कि मेरे पिछले व्लॉग से आप लोगों को पता चला होगा दैट आई एम प्रेग्नेंट, आई एम ऑलमोस्ट 26 वीक्स प्रेगनेंट नाउ। एंड पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा दैट इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी हमें बाहर जाना पड़ा था। आज भी कुछ वैसे ही सिचुएशन आ गया है, आज भी हमें जाना पड़ रहा है बाहर, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगे वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें वो यू नो रिलेट कर पा रहे होंगे दैट हमें हमेशा चेकअप्स के लिए, टेस्ट्स के लिए, स्कैन के लिए जाना ही पड़ता है। डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट रहता है तो जाना ही पड़ता है, बट काफ़ी मैनेज किया हम लोगों ने। बट कुछ टेस्ट्स हैं जो उसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा, वो आप यू नो निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। सो हम जा रहे हैं डॉक्टर्स क्लिनिक कुछ टेस्ट करवाने। एंड यस, टोटल प्रिकॉशंस हम लेकर जाते हैं। एंड जहाँ पे हम अपना टेस्ट कराते हैं वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सो इट्स रियली रियली वेरी सेफ प्लेस टू गो एंड हैव योर चेकअप्स एंड ऑल। सो मैं हो जाती हूँ जल्दी से रेडी। मैंने ले लिया है शावर, आज संडे है, मैंने किया है और वॉश एंड पूजा भी मैंने कर लिया है। सो जल्दी से मुझे ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करना है, मैं बस करूँगी एक मॉइस्चराइज़र अप्लाई। और मुझे, क्योंकि मैं फ़ैन ऑफ करके आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे आ रहा है पसीना बहुत ही ज़्यादा, एंड वैसे भी मुझे आजकल कुछ ज़्यादा ही पसीना आ जाता है। सो मैंने पहना है ये एक टी शर्ट, ये बहुत ही लूज़ मेंस टी शर्ट है। सो आई एम फीलिंग रियली वेरी कम्फर्टेबल। और जल्दी से लगा लेती हूँ अपना मॉइस्चराइज़र एंड उसके बाद मुझे करना है ब्रेकफास्ट एंड देन हम जाएंगे। सो यस, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो अप होते जा रहा है, बहुत ही गर्मी बढ़ते जा रही है। एंड आई डोंट नो आपके एरिया में क्या टेम्परेचर है, सो कैसी वेदर है, क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है, मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल भी ना भूलें, मुझे ज़रूर कमेंट करके शेयर करें आप, आई वुड लव टू नो। एंड ऑफ कोर्स ज़रा सा ये मॉइस्चराइज़र यू नो अब्सॉर्ब हो जाए उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी अपना सनस्क्रीन विच आई नेवर फॉरगेट टू अप्लाई। उसके बाद मैं यूज़ कर लेती हूँ एक लिपस्टिक, जस्ट अ रेगुलर न्यूड शेड यू नो, क्योंकि समर्स में अभी मुझे कोई भी कलर अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और इस लिपस्टिक को मैं रख लूँगी अपने पर्स में। और यस, मैं जा रही हूँ अब ब्रेकफास्ट करने एंड देन हमें जाना है टेस्ट करवाने। सो यस, सनस्क्रीन को भी मैं अब अप्लाई कर ही लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, ऑलमोस्ट बहुत ही लेट हो चुका है। सो अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे चेंज करना है अपना नेल पेंट, क्योंकि ये जो नेल पेंट है ये अब उतर रहा है एंड ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सो आई एम डन, सारे यू नो एवरीथिंग पेपर्स एंड ऑल मैंने रख लिया है, अपना आईडी वगैरह रख लिया है, सब कुछ है रेडी। सो मैं जा रही हूँ अब एंड बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज के दिन क्या स्पेशल हो रहा है। सो लेट्स गो। सो ये है मेरा ब्रेकफास्ट एंड दिस इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट फॉर दीज डेज, बेसन का चिल्ला या सूजी दही का चिल्ला आर माई फेवरेट्स।
डॉक्टर के कैबिन के बाहर वेट कर रही हूँ अपना टर्न आने का, एंड मेरे हस्बैंड जो है वो इस एरिया के बाहर हैं. अगर नीड हो तो ही बुला लेते हैं स्टाफ्स, अदरवाइज़ बस सिंगल पर्सन ही अंदर जा सकता है. सो मैंने बाद में बुला लिया था और यहाँ एक सीट खाली है जैसे कि आप देख सकते. ओह माय गॉड, सो वी आर बैक एंड मैंने ले लिया है शावर, चेंज कर लिया है एंड बाहर की हालत, आई मीन इतनी गर्मी है बाहर. आई मीन अ बिग सल्यूट टू ऑल द स्टाफ्स एंड द वर्कर्स एंड पुलिसमैन एंड एवरीवन, लाइक फ्रॉम आवर ड्राइवर्स टू द हॉस्पिटल स्टाफ्स एंड जो पुलिस रोड पे यू नो चेकिंग्स कर रहे हैं, खड़े हैं, आई मीन अ बिग ग्रैंड सल्यूट टू देम. दिन पूरे दिन ऐसे इतनी गर्मी में खड़े होकर और वो काम कर रहे हैं, सो इट्स अ ह्यूज 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 थिंग. एंड येस, द फर्स्ट थिंग वी डू आफ्टर एंटरिंग आवर हाउस इज वी टेक अ शावर. उसके बाद ही कुछ भी हम यू नो किसी से मिलते हैं एंड जो भी सामान हम बाहर ले गए होते हैं उसे सैनिटाइज करके ज़रा सा धूप में रख देते हैं, चाहे वो हमारा यू नो पर्स ही क्यों ना हो या पेपर्स ही क्यों ना हो या एनी थिंग. कुछ दवा भी अगर हमने लिया है तो सब कुछ. सो येस, मैं जा रही हूँ लंच करने एंड बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और सब मेरा नीचे वेट कर रहे हैं और मे बी मैं उतनी अच्छी ऑडिबल नहीं होंगी क्योंकि पीछे फ़ैन चल रहा है, छोटा बेबी सो रहा है. सो मुझे देखकर लग रहा होगा दैट मैं कितनी थक गई हूँ, नो डाउट मैं बहुत थक गई हूँ. सो मैं जा रही हूँ लंच करने एंड मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों के साथ. बाय बाय. गुड इवनिंग एवरीवन. ओ माय गॉड, लंच करने के बाद जो मैं आज सोई हूँ एंड मैंने अपना जो नींद कंप्लीट किया है, डायरेक्टली मैं शाम को उठी हूँ एंड थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा सा फिज़िकल कुछ एक्टिविटी करने के बाद मैं इंजॉय कर रही हूँ मेरा फेवरेट वाटरमेलन जो मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है खाना. सो ये शाम को मेरा मस्ट है. शाम को जब मैं बिल्कुल कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी कुछ भी करने के बाद जो करके मैं थकती हूँ, मुझे बहुत पसीने आते हैं, तो मैं फ्रेश होकर अच्छे से रिलैक्स होकर मैं वाटरमेलन लेकर बैठती हूँ और उसे इंजॉय करती हूँ फ़ैन के नीचे, एसी के नीचे, व्हाटसोएवर. सो वो मैं इंजॉय कर रही हूँ और ये थोड़ा सा मैंने कट किया है बाकी सारे लोगों के लिए और मुझे ऐसे कट करके खाना बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे एक स्पून लेकर और ऐसे वाटरमेलन को ऐसे राउंड काट कर और स्पून से निकाल कर खाने में जो मज़ा है, वाटरमेलन अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग. आप कभी ट्राई करिएगा. वैसे यहाँ पे ज़्यादातर सब लोगों को वाटरमेलन पसंद नहीं है बट गर्मियों में बहुत ही हाइड्रेटिंग है वाटरमेलन एंड स्पेशली फॉर मी इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी हेल्पफुल फॉर दीज डेज. सो मैं जा रही हूँ अपना वाटरमेलन इन्जॉय करने एंड येस, कुछ ऐसा था मेरा आज का दिन. बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज और अभी भी मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं और आज मैंने पूरे प्लांट्स में पानी दिया है, पेड़ों में. सो मेरा बहुत ही अच्छा आज वर्कआउट हो गया है. सो यस, मैं जा रही हूँ वाटरमेलन इन्जॉय करने. हेलो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, अभी हो चुकी है रात एंड मैंने कर लिया है अपना डिनर. बहुत ही जल्दी डिनर कर लिया है मैंने क्योंकि इस वक्त टाइम पे खाना, टाइम पे सोना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक रूटीन मेंटेन करना. ऑल दो टाइम पे मैं सो तो नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे नींद काफ़ी लेट आती है आजकल, बट आई ट्राई टू स्लीप एज सून एज पॉसिबल. सो मैंने कर लिया अपने फेस को अच्छे से वॉश, एक अच्छे से माइल्ड फेस वॉश से एंड मैं करूँगी अभी अपना नाइट स्किन केयर रूटीन क्योंकि आज मुझे बहुत ही अच्छे से अपना नाइट स्किन केयर रूटीन करना है. आज मैंने सुबह कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मुझे क्लिनिक जाना था, मुझे कुछ टेस्ट करवाने थे. सो जिसके वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया था अपने स्किन पे और इस वक्त मैं अपने स्किन पे, अपने हेल्थ पे अच्छे से ध्यान दे रही हूँ. सो ये है मेरा फेस मास्क विच इज़ सैंडलवुड फेस मास्क.
इस ह्यूमिड वेदर के लिए दिस इज़ द बेस्ट 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 ऑप्शन। कुछ करना भी नहीं है इसमें, जस्ट सैंडलवुड पाउडर लीजिए आप, उसमें ज़रा सा मुल्तानी मिट्टी आप मिक्स कर सकते हैं। ऑल दो आपकी अगर ऑयली स्किन है, बहुत ह्यूमिड वेदर है, तो आप नॉर्मल सैंडलवुड भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल मिक्स कर सकते हैं, गुलाब जल मिक्स कर सकते हैं। नहीं करना देन सिर्फ प्लेन वाटर इसमें ऐड करके एक अच्छी कंसिस्टेंसी की पेस्ट बना लें एंड इट्स रेडी टू यूज़। सो मैं स्क्रब नहीं करूँगी क्योंकि मैंने कल ही स्क्रब किया था। सो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ज़रा सा वाटर एंड दैट्स इट। सो अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसे देखकर अब मुझे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है ये आज ही यू नो अनाउंस हुआ दैट लॉकडाउन जो है वो 31 मई तक एक्सटेंड हो चुकी है, विच इज़ लॉकडाउन 4.0। सो जिसकी वजह से यू नो अब टेंशन जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, दैट आई डोंट वी ऑल डोंट नो दैट कब तक ये सब कुछ ठीक होगा। एंड उसी बीच में मेरी यू नो डेट्स अगर ऑल दो अभी नहीं है, थोड़ा लेट है 2-3 मंथ्स, बट स्टिल यू नो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी जाना एंड सो वी ऑल आर अ लिटिल वरीड नाउ। ऑल दो हम पैनिक नहीं हो रहे बट स्टिल। सो वैसे हमारे जो डॉक्टर हैं वो बहुत ही अच्छी हैं एंड शी रियली टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। सो वो जहाँ रिकमेंड करेंगी हम वहीं जाएंगे, बट स्टिल सिचुएशन जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। सो वी ऑल आर नाउ लिटिल वरीड अबाउट एवरीथिंग। सो वी आर जस्ट प्रेइंग दैट ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए सब कुछ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जिनकी वरीज और भी बड़ी बड़ी हैं मेरे से भी ज़्यादा। सो ये सब कुछ जल्द से जल्द अब नॉर्मल हो जाए, तो बस वी आर प्रेइंग फॉर दैट। सो दैट सेट, ये एक पेस्ट तैयार है और मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी से। एंड मुझे ज़रा सा बचाना भी है क्योंकि मेरे भाई को भी यूज़ करना है फेस मास्क एक। सो सो ये फेस मास्क मैंने अप्लाई कर लिया है अच्छे से अपने नेक तक एंड ये जब तक सूख जाए एटलीस्ट मैं इसे रखूँगी 10 to 15 minutes, और लेट तक भी रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे क्रैक होने से बचाएं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अगर क्रैक हो रहा है इसे आप और भी देर तक रखना चाहते हैं देन आप कुछ स्प्रे कर ले वाटर या कोई रोज़ वाटर एनीथिंग से फिर से डैम कर ले एंड देन आप और देर तक रख सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सूख जाएगा फिर मैं इसे वॉश कर लूँगी एंड दैट्स इट। अभी सब बैठ के बातें कर रहे हैं एंड यस हम थोड़े से वरीड हैं दैट इस लॉकडाउन में कब तक ये ख़त्म होगा हमें पता नहीं है। एंड जो मेरी डेट है वो अगस्त में है, ऑल्दो इट्स अ लिटिल लेट ये सब सिचुएशन के लिए, बट कब ठीक होगा सब कुछ वी आर रियली नाउ गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ वरीड। बट उसके बीच में भी हमारे काफ़ी सारे प्लान्स थे, वो आई डोंट नो वो कब सब कुछ होगा। मुझे काफ़ी कुछ कराने थे यू नो फोटोशूट्स एंड एवरीथिंग, बट अब तो है कि दैट अब नॉर्मल यू नो मेरी डिलीवरी ही अच्छे से हो जाए, दैट्स इट। सो लेट्स सी। और इस लॉकडाउन की वजह से मैं यू नो कहीं बाहर वॉक के लिए भी नहीं जा पा रही हूँ कहीं नॉर्मल, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो मैं घर के अंदर ही कुछ एक्टिविटीज़ ऑलवेज करते रहती हूँ यू नो, सो कुछ भी
जो मैनेज कर दे उस चीज़ को, जैसे कि मैं वॉक करती थी, ब्रिस्क वॉक मेरा ऑल डे, लाइक नॉट ऑल डे, लाइक एवरी डे इवनिंग रहता था, बट इसके वजह से आई हैड टू स्टॉप दैट. नाउ आई एम फुल टाइम घर के अंदर, एंड घर के अंदर ही मुझे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ ढूंढने पड़ते हैं जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी एक्टिविटी, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे बॉडी की, एंड मैं थोड़ी सी एक्टिव रहूँ. सो यस, ऐसा ही कुछ चल रहा है. सो मैं वेट कर रही हूँ अभी ये फेस मास्क ड्राई अप होने का, उसके बाद मैं मिलती हूँ अपने फेस को अच्छे से वॉश करके. सो सी यू सून. सो मैंने कर लिया है अपने फेस को अच्छे से वॉश, एंड जल्दी से मैं यूज़ कर लेती हूँ एक टोनर. एंड आफ्टर दैट मैं लगाऊंगी ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, विच इज़ माई फेवरेट फेवरेट फेवरेट. सो आज मैं सोच रही हूँ दैट मैं ये क्रीम लगाऊं, और ये बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट चाहिए होता है, ये भी बहुत ज़्यादा है. सो इवनली अपने पूरे फेस पे. दैट्स इट, आई एम डन, एंड अब मैं जा रही हूँ सोने, एंड मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ. और ये ब्लॉग मैं अभी एंड कर रही हूँ. सो सी यू सून. एंड ऑल्सो एक बार आप लोगों को याद दिला दूँ दैट अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर ये वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. सो मिलती हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू सून. बाय बाय. टेक केयर.